माननीय उपसभापति जी, धन्यवाद कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। जैसा हम सब लोग जानते ही हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी जो अभिभाषण करते हैं वो सरकार के किए गए कामों का रिपोर्ट कार्ड होता है और आने वाले दिनों में सरकार किस रास्ते पर चलेगी उसका उसमें जिक्र होता है। हमारी पार्टी के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को बोलना था इस विषय पर, लेकिन वो कल अपनी बात रखेंगे, इसलिए आज मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा। समय के लिए मैं अपने आप ही सीमित समय में रहूंगा। आपने खुद ही समय दिया, मुझे मालूम है आप समय में हमेशा रहते हैं। खैर, ये जो हमारी सरकार है ये लिखत पढ़त में जो कहती है और इसके नेता मंत्री यहां तक के प्रधानमंत्री भी सार्वजनिक मंचों पर जो कहते हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। कई अवसरों पर ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं। आज हमारे देश के अंदर जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जो मुद्दा, वो CAA और NRC का मुद्दा है। मेरे ही प्रश्न के जवाब में, और इत्तफाक से उस समय आप ही चेयर पर बैठे हुए थे, मैंने एक प्रश्न पूछा, पूरक प्रश्न था वो, गृह मंत्रालय का सवाल जवाब चल रहा था, मैंने पूछा क्या असम से बाहर कहीं NRC लागू करने का सरकार का कोई विचार है? तो उस वक्त राज्य मंत्री सब प्रश्नों के जवाब दे रहे थे और जो मुख्य प्रश्न था उसका भी जवाब राज्य मंत्री जी दे रहे थे, लेकिन हमारे कैबिनेट मंत्री, भारत के गृह मंत्री यहां सदन में मौजूद थे, उन्होंने हाथ से उन्हें रोका और खुद इस सवाल पर खड़े हुए कि NRC देश के अंदर लागू करने का विचार है या नहीं है, और बड़ा ताल ठोंक करके उन्होंने कहा कि इंच इंच जमीन पर NRC लागू होगी और घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद जब चर्चा ज्यादा हुई तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा NRC का कोई जिक्र ही नहीं है, और वक्ताओं ने भी जिक्र किया इस मामले में। आप मेरी शंका का समाधान कीजिए माननीय उपसभापति जी, कि सदन के पटल पर बोली गई बात को ज्यादा महत्व देना चाहिए या रामलीला मैदान के रामलीला मंच पर बोली जाने वाली बात को ज्यादा महत्व देना चाहिए? मैं समझता हूं अगर आप मुझे मेरी शंका का समाधान करेंगे तो निश्चित रूप से ये कहेंगे कि जो बात सदन में कही जाती है उसका ज्यादा महत्व होता है, बाहर के मंचों पर कही जाने वाली बात को इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। क्या स्थिति हो गई है सर? एक आंदोलन पूरे देश के अंदर चल रहा है, उस आंदोलन के विरोध में सभी वर्गों के, सभी धर्मों के, सभी जातियों के, किसी के कम है किसी के ज्यादा हैं, लेकिन उस आंदोलन को एक खास धर्म के मानने वालों का आंदोलन और उसमें भी सिर्फ एक खास लिंग के लोगों का आंदोलन यानी महिलाओं का आंदोलन बता करके पेश किया जा रहा है। हमारा संवैधानिक अधिकार है, देश के नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है कि हम किसी भी फैसले का, चाहे कोई भी ले, किसी भी स्तर पर हो, हम उससे अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं, उसके खिलाफ अपने पक्ष में लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं। लेकिन आज कुछ पार्टियों का लेवल उस आंदोलन पर जबरदस्ती लगाया जा रहा है। मैं अपनी बात में इस आंदोलन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं सर कि इस देश के अंदर ये जो आंदोलन शुरू हुआ है एक ऐसी संस्था से हुआ है जहां का मैं विद्यार्थी रहा हूं बरसों, जामिया मिलिया इस्लामिया। जब वहां पर यह आंदोलन हुआ शुरू और वहां के छात्रों के ऊपर
जो पुलिस ने बर्बरता की, तो हमारे ही साथियों ने कुछ ऐसी ऐसी बातें कह दी जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। एक सदस्य ने तो यहां तक कह दिया यह आतंकवादियों का अड्डा है, ऐसे विश्वविद्यालयों पर ताला ठोंक देना चाहिए। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि जो लोग जामिया मिलिया इस्लामिया के इतिहास को नहीं जानते, जिन लोगों ने कभी वास्ता नहीं रखा या आज़ादी के आंदोलन को थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा है, वही लोग ऐसी बात कर सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया महात्मा गांधी के आह्वान पर 1920 में जब सरकारी सहायता से चलने वाले विश्वविद्यालयों का बहिष्कार करके देशी शिक्षा संस्थाएं बनाने का आह्वान महात्मा गांधी जी ने किया था, उस समय जामिया मिलिया इस्लामिया वजूद में आई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अलग हुए थे और जामिया मिलिया इस्लामिया उन स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने बनाई थी जो आजादी के आंदोलन में पेश थे। इसलिए जामिया के लोग आजादी के महत्व को भी जानते हैं, जामिया के लोग आंदोलन के महत्व को भी जानते हैं, जामिया के लोग अंग्रेजों से लड़ना भी जानते हैं और जामिया के लोग देशी अंग्रेजों से भी लड़ना जानते हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूं। आज जिस तरीके से इस विषय को उठाया गया, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, ये सीए के माध्यम से करना क्या चाहते हैं? सीए ऐसा बताया जा रहा है जैसे इतना बड़ा काम कर दिया कि किसी को नागरिकता मिलती ही नहीं थी भारत की और उन्हें नागरिकता देना शुरू कर दिया। सर स्थिति यह नहीं है। सिर्फ एक काम इन्होंने किया है जो परिस्थितियों में हम उसे सही भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो धार्मिक अल्पसंख्यक वहां की सरकार की नीतियों से या वहां के समाज के द्वारा प्रताड़ित थे, उन्हें यह नागरिकता जो पहले 11 साल में मिलती थी अब उसे मात्र 5 साल में वो देंगे। उसकी शर्त घटाई है 11 साल से 5 साल की है। एक काम इन्होंने ये किया है जिसे हम सही भी कह सकते हैं, लेकिन इस सही काम को करने के लिए हम हिंदुओं को देंगे, हम सिखों को देंगे, हम बौद्धों को देंगे, हम जैनों को देंगे, हम पारसियों को देंगे, हम ईसाई को देंगे, ये कहने की कौन सी जरूरत थी? जब इस बिल पर बहस हुई थी उस वक्त भी सदन में मैंने कहा था कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को आप नागरिकता की 11 साल की शर्त 5 साल करने की बात करो तो बात जो है वो क्लासिफिकेशन के दायरे में भी आती है, वो रीजनेबल भी हो जाती है, हमारे संविधान के अनुरूप भी हो जाती है। लेकिन चूंकि इनको तो मजा इसी में आता है कि भारतीय समाज हिंदू मुस्लिम के नाम पर मथा जाता रहे, हिंदू मुस्लिम, और उसमें से ये जो है सत्ता का अमृत निकालना चाहते हैं उस मंथन से, इसलिए इसमें हिंदू मुस्लिम का इन्होंने सवाल लाए। गांधी जी की आज बहुत याद आ रही है, मैं तो घबरा गया था कि सारे कोटेशन गांधी जी के जो उनके प्रार्थना प्रवचनों में दिए गए हैं, हमारे सुखेंदु दा जब बोल रहे थे तो एक के बाद वो कोट करते जा रहे थे गांधी जी को। मैं भी कुछ लाया था, ज्यादातर वो ही थे, लेकिन एक बच गया, उसे मैं पढ़ना चाहता हूं कि गांधी जी ने क्या कहा था। प्रार्थना प्रवचन 10 जुलाई 1947 का, गांधी जी कहते हैं उन लोगों के बारे में, धार्मिक अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान में उस वक्त तक होने वाले थे, यानी हिंदू सिख भी हम उन्हें कह सकते हैं, परंतु यदि सिंध या और जगहों से लोग डर के मारे अपने घरवार छोड़कर यहां आ जाते हैं तो क्या हम उनको भगा दें? यदि हम ऐसा करें तो अपने को हिंदुस्तानी किस मुंह से कहेंगे? हम कैसे जय हिंद का नारा लगाएंगे? नेताजी किसके लिए लड़े थे? हम सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे दिल्ली का हो या गुजरात का, वे लोग हमारे मेहमान बनकर रहें। ये कहते हुए उनका स्वागत करें कि आइए, ये भी आपका मुल्क है और वो भी आपका मुल्क है। गांधी जी का ये प्रवचन, गांधी जी का ये वाक सीएए का मुख्य आधार बताया गया। लेकिन अगला वाक
इसी पैराग्राफ का जब मैं पढ़ता हूं तो वो क्या कहते हैं, उनका कितना बड़ा नजरिया था, अर्धसत्य है, इस तरह से उन्हें रखना चाहिए। और यदि राष्ट्रीय मुसलमानों को भी पाकिस्तान छोड़कर आना पड़ा तो वे भी यहीं रहेंगे, हम हिंदुस्तानी की हैसियत से सब एक ही हैं, यदि ये नहीं बन सकता तो हिंदुस्तान नहीं बन सकता। ये गांधी जी का दृष्टिकोण था हिंदुओं के बारे में, मुसलमानों के बारे में जो पाकिस्तान में रहते थे उस वक्त। लेकिन आज ये मांग नहीं है, पूरे आंदोलन की ये मांग नहीं है कि पाकिस्तान के मुसलमानों को यहां नागरिकता दीजिए या बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमानों को यहां नागरिकता दीजिए। आज की सिर्फ मांग ये है, क्योंकि आपका ये संशोधन नागरिकता कानून में ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ये हिंदू मुस्लिम करता है, ये अपने नागरिकों को या देश में जो लोग रह रहे हैं उन नागरिकों के बीच में धर्म के आधार पर भेद करता है। तो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में, धर्म निरपेक्ष देश में धर्म के नाम पर भेद करना ये संविधान की भावना नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विस्तार से कल हमारे प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी इस विषय पर बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।